एवरीवन, तो अब मैं लेके आया हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का। पहले बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, आसानी से इसे हम कर सकते हैं। सेवन फ्रेंड्स TUVWXY एंड Z आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। W नॉर्थ, ठीक। W सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ T। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। W सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ T। तो W जो है T के फिफ्थ राइट में बैठता है। तो देखिए ये राइट, फिफ्थ राइट में कौन बैठता है, W। W does not sit at an extreme end, any of extreme end. तो एंड में W नहीं बैठता है, इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। टू पीपुल सिट्स बिटवीन जेड एंड एक्स। तो जेड और एक्स के बीच में दो लोग हैं, ठीक। वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो वाई जो है यू के थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, वाई सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल। वाई जो है ये मिडिल में है, ठीक हो गया। जेड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, तो +1 करके कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई का इमीडिएट नेबर जेड नहीं है। अब सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन बनाई जिसमें हमें सेवन लोग बैठाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ये बोल रहा है कि जो W है ये एंड में नहीं है, यहां भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा, ठीक है। अब वाई जो है ये मिडिल में है। देखो जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है सारे लिखते जाओ। वाई मिडिल में है, 1 2 3, 1 2 3। तो मिडिल ये हुआ। अब वाई का नेबर जो है वो जेड नहीं हो सकता है, तो जेड यहां पर भी नहीं होगा और जेड यहां पर भी नहीं होगा, ठीक हो गया। यू के थर्ड में, अब देखो टी के फिफ्थ में डब्ल्यू है। देखो टी में यहां पर रख सकता हूं, ठीक, और टी में यहां पर रख सकता हूं। चलो मैं पहले यहां पर, देखो हम टी को यहां पर नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें टी को यहां पर रखना होगा, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया W, ठीक, W भी आ गया। अब रहा हमारे पास Z और X। देखो Z और X के बीच में दो लोग हैं, ठीक। तो देखो ये Y है U के थर्ड लेफ्ट में, तो ये U होगा, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट आ गया। एक चीज मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, इस सारे ऊपर को ही है। अब देखो यहां पर जेड नहीं हो सकता, यहां पर जेड नहीं हो सकता, तो जब ये दोनों पर जेड यहां पर नहीं हो सकता तो यहां पर एक्स ही होगा 100%। और यहां पर जेड वैसे भी दो होने चाहिए, तो जेड यहीं पर होगा। अब बचा क्या, TUV बचा, तो ये V होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज जेड्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू W। देखो जेड की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू W, 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट।
इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकेंड राइट में कौन है, एक दो, तो ये है वी, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए इन दोनों को आप कीजिए, मैं लास्ट वाले को कर देता हूँ। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, देखो ये पेयर है क्योंकि दो जो जगह से हैं, तो टी और यू, टी और यू, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा टी और यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपना क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।